कर्म योग और भगवद गीता को समझना प्रकटीकरण का मार्ग। इस विस्तृत अन्वेषण में हम कर्म योग और भगवद गीता की शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं, यह उजागर करते हुए कि वे कैसे एक पूर्ण जीवन जीने और सचेत सृजन के माध्यम से आकर्षण के नियम में महारत हासिल करने के रहस्य प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। कर्म योग का आधार, एक निस्वार्थ क्रिया। कर्म योग अहंकार से आसक्ति के बिना कार्य करने पर जोर देता है। कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, व्यक्तिगत अहंकार की पहचान किए बिना उन्हें कर्म योग के सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हैं। जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वभाव और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में होते हैं। दो, परिणामों से अलगाव। अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव पैदा होता है और दक्षता कम हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को परिणामों से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। यह अलगाव एक अधिक आरामदायक और कुशल कार्य प्रवाह की अनुमति देता है, क्योंकि विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने का दबाव हट जाता है। प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए इस सिद्धांत को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे कार्यों को ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित करता है। तीन, अनंत बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पण। अपने कार्यों को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करना, चाहे वह ईश्वर हो, शुद्ध चेतना हो या उच्चतर आत्मा हो, हमें अपने कार्यों के बोझ से मुक्त करता है। इस समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम अंतिम कर्ता नहीं है, बल्कि एक बड़ी शक्ति के साधन है। यह दृष्टिकोण हमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या भय के भार के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करता है, जिससे एक अधिक शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन मिलता है। अभिव्यक्ति में अलगाव का महत्व। बहुत से लोग आकर्षण के नियम से परिचित हैं, फिर भी इसकी प्रभावशीलता अलग अलग होती है। अक्सर कर्म योग के सिद्धांतों में यह कमी रह जाती है। एथलीट और कलाकार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करने वाले अक्सर चरम प्रदर्शन के दौरान अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। वे प्रवाह की स्थिति में होते हैं, परिणामों की चिंता किए बिना अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन होते हैं। यह कर्म योग का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है। भगवद गीता सिखाती है कि परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति संकट की ओर ले जाती है और अभिव्यक्ति में बाधा डालती है। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कार्य का अभ्यास करने से हम अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने कार्यों को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर पाते हैं। यह दृष्टिकोण मानसिक स्पष्टता और संतुलन बनाए रखता है, जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इच्छाओं के महत्व को कम करना। जब हम अपनी इच्छाओं को अत्यधिक महत्व देते हैं तो हम अनजाने में उन्हें दूर कर देते हैं। इस अवधारणा पर रियलिटी ट्रांसर्फिंग में चर्चा की गई है, जो महत्व के राक्षसों के बारे में बात करती है। कर्म योग का अभ्यास करके हम परिणामों के महत्व को शून्य तक कम कर देते हैं, जिससे हमारे लिए अपने इच्छित जीवन को प्रकट करना आसान हो जाता है। वास्तविकता की भ्रामक प्रकृति को समझने से हमें आसक्ति से छुटकारा पाने और अपनी जरूरत की चीजों को सहजता से आकर्षित करने में मदद मिलती है। रियलिटी ट्रांसर्फिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब हम अपनी इच्छाओं को अत्यधिक महत्व देते हैं तो हम ऊर्जावान बाधाएं पैदा करते हैं, जो हमारी चाहत को दूर भगाती हैं। इस महत्व को कम करके हम खुद को ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारे लक्ष्यों को आकर्षित करना और प्राप्त करना आसान हो जाता है। यज्ञ की अवधारणा। यज्ञ का अर्थ है सर्वोच्च को अर्पण करना। हमारा कार्य कर्म योग के सिद्धांतों के अनुरूप उच्च उद्देश्य के लिए अर्पण होना चाहिए। यह अवधारणा हमें अपने कार्यों को पवित्र मानने और उन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अधिक से अधिक अच्छे के लिए भक्ति और समर्पण के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दृष्टिकोण में यह बदलाव सांसारिक कार्यों को पूजा के कार्यों में बदल देता है, उन्हें उद्देश्य और अर्थ प्रदान करता है। प्रवाह अवस्था प्राप्त करना। प्रवाह अवस्था, जहां व्यक्ति कुशलतापूर्वक और सहजता से कार्य करता है, कर्म योग के साथ संरेखित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से उपस्थित होता है और अपने हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, परिणामों से अलग होता है। यह प्रदर्शन और रचनात्मकता को बढ़ाता है। प्रवाह अवस्था एक मानसिक अवस्था है, जहां हम किसी गतिविधि में पूरी तरह से लीन होते हैं, कालातीत और सहजता की भावना का अनुभव करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह से उपस्थित होना चाहिए, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कार्यों के भविष्य के परिणामों से अलग होना चाहिए। यह कर्म योग की शिक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो हमारे कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करने पर जोर देता है, जबकि परिणामों को उच्च शक्ति को सौंप देता है।
टालमटोल और व्याकुलता पर काबू पाना। टालमटोल अक्सर विफलता के डर या स्पष्ट लक्ष्यों की कमी से उत्पन्न होता है। अपने काम को उच्च बुद्धि के हवाले करके और स्पष्ट प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके हम टालमटोल पर काबू पा सकते हैं। लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करने से वर्तमान गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने, उत्पादकता में सुधार और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित करके और अपनी क्षमता के अनुसार उसे पूरा करके हम टालमटोल की आदत से बाहर निकल सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करना हमें प्रेरित और ट्रैक पर रखता है। परिणामों को उच्च शक्ति के हवाले करके हम विफलता के डर को दूर करते हैं, जिससे हम आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाते हैं। निष्कर्ष: भगवद गीता में बताए गए कर्म योग को समझना और उसका अभ्यास करना काम और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। निस्वार्थ कर्म करके, परिणामों से अलग होकर और उच्च शक्ति के सामने समर्पण करके हम अभिव्यक्ति और सचेत सृजन के सिद्धांतों के साथ जुड़ जाते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि शांति और पूर्णता भी लाता है। संक्षेप में, कर्म योग एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अपने दैनिक कार्यों में इसके सिद्धांतों को एकीकृत करके हम संतुलन, स्पष्टता और दक्षता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जो अंततः हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों की सफल अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टप शीट और टप कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टप कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।